तहरीके इंसाफ के मुनहरी पर काम ताहियात नाअहली से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल सदर को भिजवा दिया। पीटीआई के मुनहरी पर काम को नाअहल करने की दरख्वास्त खारिज। कहा इनहराफ करना सियासी जमात के लिए कैंसल और कमजोर करने के मुतरादिफ है। किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट शुमार नहीं होगा। मुनहरी पर अकीन की नाअहली की मुद्दत पार्लियामेंट का इख्तियार है। वक्त आ गया है पार्लियामेंट कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आर्टिकल 63A अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63A और 17 सियासी जमातों के हकूक के लिए है। सियासी जमातें जमहूरी निजाम की बुनियाद है। इनहराफ जमहूरियत को डीरेल भी कर सकता है। सियासी जमातों के हकूक का तहफ्फुज़ रुकन के हकूक से बाला है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 63A की तस्दीक का रेफरेंस 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट भेजा था, जो 58 दिन जेर समाअत रहा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल करने का ऐलान। सदर केपीएल आरिफ मालिक का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के जरिए अमन का पैगाम देंगे। किस्म का मैसेज है फॉर अक्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज हम देखें पीसफुली हम सारी की सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं और उसी पीस के पेश नज़र हम एक अदद खत भी लिख रहे हैं विराट कोहली साहब को। और विराट कोहली इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स। हम इसलिए विराट कोहली को एक खत लिख रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं कि या तो आके खेलें या फिर एटलीस्ट एक अदद मैच हमारे पास आके। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें।